लखनऊ में बागेश्वर बाबा के समर्थन में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के नेतृत्व में तमाम लोग पहुंची गांधी प्रतिमा बागेश्वर बाबा के समर्थन में। हिंदू महासभा के लोग लगाए नारे। आज समर्थन में आज अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हमारे महादेव बाबा जी, इंग्लैंड से आए हुए हमारे साधु संत और तमाम और संगठन के हम लोग सब लोग यहाँ आए हैं। जिस प्रकार से धर्मद्रोही लोग हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी का के खिलाफ जिस प्रकार टिप्पणी कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उसको लेकर के आज पूरे देश में सबसे पहले अखिल भारत हिंदू महासभा आई है मैदान में। जिस प्रकार से बागेश्वर वाले बाबा इस देश को हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, ये कल्पना जो हमारे वीर सावरकर जी ने आज़ादी से पहले दी थी, तो ये देश हिंदू राष्ट्र बने इसको लेके जो उनकी उनका समर्थन है उसके साथ हिंदू महासभा खड़ी है। जिस प्रकार से जो बलपूर्वक जिनका धर्मांतरण किया गया, जिनको लालच देख के ईसाई मिश्रियों ने धर्मांतरण कराया, उनको घर की वापसी कराने की जो बात उन्होंने उठाई है, वही मुद्दा अखिल भारत हिंदू महासभा उस पर काम करती चली आ रही है। तो ऐसे मुद्दे जो तमाम हैं, इन मुद्दों पर हमारा समर्थन बाबा जी के साथ है। बाबा जी को कोई जादू टोना से जोड़ता है, कहीं कुछ उससे हमारा लेना देना है, लेकिन बाबा जी के जो मुद्दे हैं उन खासकर मुद्दों पे हिंदूवादी जो मुद्दे हैं उसके साथ है। जिस प्रकार से देश को 1947 में बांटा गया, तो एक देश जब इस्लामिक राज्य जब बन गया तो हिंदुओं को आखिर मिला क्या? हिंदुओं को ये मिला कि उसको एक सेकुलर देश दे दिया गया, उनके हिस्से की ज़मीन वहाँ दे दी गई, उसके बाद भी लोग यहाँ उनके यहाँ रह गए। और आज वो हमारा राम मंदिर नहीं बनने देते, आज हमारा काशी का मंदिर नहीं बनने देते, आज मथुरा का मेरा हमारी जन्मभूमि नहीं देते।